एक आदमी के जिंदगी भर में 10-12 जन लोग लेकर हो जाए तब बड़े तो रहा है। पहले सियान मन के 12-15 जन घर लोग लेकर रहा है, बनी भूति करके उत्कल पोस डरे सबके बर बिहार कर डरे। अब नियम बना दी सरकार है, हम दो हमारे दो ओकर से ज्यादा झन हो। कुछ दिन के बाद तो नियम आदि कैसे लगते, हम दो हमारे एक ऊपरा झन दे। अब कोनो दिन मेरे नियम झना जाए दादा, हम दो हमारे कुछ नहीं कहां जाए। आदमी के 10-12 जन संतान हो जाए तब बड़े, लेकिन एक मच्छर ल पूछ एक दिन में कतना औलाद पैदा करते। 2-4 दिन की जिंदगी जीने वाले मच्छर एक दिन में हजारों बच्चा पैदा करते, तो तोरा औकात तो मच्छर वक्त का नहीं है। अरे सूरा बधिया अब का नहीं है, 6-6 महीने में 12-12 ठन लोग लेकर देते तो कैसे बना है से दुनिया में जी। उम्र हुई 10 के तक खाए पिए कस के, अब 20 में भारी हो गए जो उसका मोह माया में खोए होश। 30 में हो गए तिरिक तिरा, 40 में बढ़ गए कुटुंब का बीरा, 50 में काया पक गए, 60 में शरीर थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के। गाड़ी आके 80 में तो निकले नहीं सके बस्ती में, धीरे धीरे हो गए 90 तो राम लकति दिन में जब दे। सब में सबो सिरागे पाप के बीज है वो आगे, गहरी नींद में सो गए ये जिंदगी बर्बाद हो। जिंदगी आई मनुष्य शरीर प्राप्त करे के मूल उद्देश्य यही है, दुनियादारी के भजन के काम नहीं छूटना चाहिए। जीवन के रहते रहते ये हृदय सिंहासन में राम लो बिठा लो भैया, तब मानव जीवन धन्य हो। नहीं तो वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम नहीं। प्रभु का स्मरण सुबह ना किया, प्रभु का कीर्तन शाम नहीं, गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, तो जेकर जीवन में राम नहीं ओकर जीवन में शांति और विश्राम। 84 लाख जीवनी में सुंदर शरीर है, अब भीतर नैन से देख ले बंदे दुनिया के हर तस्वीर है। ये काया है अवधपुरी, यहाँ राम लखन भगवान है, यही काया में रामायण गीता भागवत और पुराण है। 33 कोटि देवता है काया में समाये है, चंचल मन बन के रावण सब लनाच नचाए है। आत्मा ही तो राम है और सत्य ही तो ईश्वर है, जेकर हृदय में शांति सीता है वही तो राम के घर है। सत्य के जहाँ तक लक्षण है वहाँ मन ल पहुँचाना लक्ष्मण है, और कुकर्म रूपी शत्रु ल नाश करना शत्रुघ्न है। नारी और नींद ल त्याग के सबके सेवा करना भरत है, और 10 इंद्री ल वश में रखना ही तो राजा दशरथ है। तो जिन अपन 10 इंद्री ल वश में कर लेते ना वो दशरथ बन जाते, ओकर हृदय सिंहासन में राम आ जाते। और जिन 10 इंद्री ल भोग में लगा देते तो वो का बन जाते, वो 10 मुख बन जाते। 10 मुख, 10 मुख माने रावण। भोग वृत्ति में जो रात दिन लगे है वो 10 मुख है भैया, योग में साधना में लगे है वो हरे 10 रथ। तो आज 10 रथ अपन सेवक मन आदेश देवत जो मनुष्य जिया कुल गुरु वशिष्ठ महाराज राजा घर के बात है। वैसे सेवक मन भी आलसी कोढ़िया नहीं है, प्रहे साधु है संत महात्मा है, इकर पूजा अर्चना करत है, करत राम हित मंगल का जा। राम के राज्याभिषेक के मंगल के लिए सुंदर सुंदर पुण्य कर्म करत है, धर्म करत है। अन्न दान, गौ दान, भूमि दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, नाना प्रकार के दान है ना, यज्ञ हवन पूजा पाठ करते,
खेती खान सबला अपन पुत्र के नाम करके पुत्र ला सौंप के वो साधना तपस्या में लग जाए। आजकल कहाँ पावे कई जन डोकरा मन हाँ केकर के दर चरत रही तब चापी कन्या बांधे चरत रहे हमार जिया ले हम को उम्मीद मर वो ताने मन कहीं करे से। जबकि देखो मनु शत्रुप मन घलो जबरदस्ती अपन पुत्र ला राज पाठ ला सौंपे रही से बरबस राज सुत ही तब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा बरबस बरबस माने जबरदस्ती पुत्र हक थे कि नहीं पिताजी ये राज पाठ ला भी तही संभाल पर राजा मनु कथ नहीं बेटा अभी लता है संभाल मोला छुट्टी दे। जबरदस्ती अपन पुत्र ला राज पाठ ला सौंप के मनु महाराज हर जंगल में निकल गए साधना तपस्या करे। अब वही मनु छरिये दे दशरथ अगे दशरथ कल वही काम करना चाह अब आजकल के दशरथ मन तो निछोड़े दादा तेकर सेती पुत्र मन घलो नंगाते झटकते दो चार साल हो जी ले अब तो हर हिंसा भजन कर तो कहाँ पावे 60 बरस की उम्र आगे हाड़ा खिया के छाती के अब तब ले आशा लगे हवे मुंह देखे बनना थी के ना ये साल नौनी बिहार होई की थे भगवान चार बीजे चे उलो टीक लेते हैं तो हम भले मोर सके लेते या मने ओकर जायक मने च नहीं है। कबीर जी ओकरे से ती फटकार थे मन मरे न माया मरे मरी मरी जाए शरीर अरे आशा कृष्णा ना मरे कह गए संत कबीर है ना। ये आशा और तृष्णा है तम वज्र जकड़े रथे आदमी का अब वही है तम फिर से वाला बंधन में बांध देते फिर से वाले चौरासी के चक्कर में घुमा देते नरतम ऐसे जले I'm not the one.
शरीर के इंद्री मजबूत है ना तब धर्म कर्म पूजा पाठ सत्संग लग कर ले इंद्री जर्जर हो जा रही उदय पे हाय हाय करत रहे तो कहते भगवान ना सुनता है नहीं आए ते कर सके जवानी अवस्था ही बढ़िया अवस्था है भगवान के भक्ति करे ना नीति है चिंतन डूबे मोरे जी आतले है सब लमी ही संभाले मरम काने मन कैसे कर ही अच्छा तो रसन असन रोज कत को जन्म धरत है कत को मरत है दुनिया का एक फरक पड़त है जी तो तोरे एक जन के मरे नहीं है हवा चल पानी चलना बंद हो जाए क्या ते रामलाल मर गए कि बेरा हुए मर छोड़ दी ही तोर बिना दुनिया कोई काम अटकने वाला नहीं है ते मर के देख पहले सब व्यवस्था कर लिया तैयार है कति बांस के चैली बनाई ते अभी तैयार है कौन कौन बोहक लेगी वो बोहिया मन घलो तैयार है कते जब गड्ढा खानी वो जगह घलो तैयार है खुंद खुंद के माटी देवी मन घलो तैयार है और दस दिन के बाद लड्डू बड़क खोइया घलो तैयार है तो था वो करते फिकर हो रहा है तोला फिकर कर एक जरूरत नहीं है बराबर दांत हनी जागे दुनिया में आनी बानी पे खाएक बना है काकर बरे तो रिज बर तो आए ते सारी दुनिया का भगवान तो भर बना है अतेरा दिन चिंतन डूबे है तो चिंता छोड़ है नहीं संसार की चिंता छोड़ चिंतन कर दशरथ महाराज जैसे चिंतन कर लो परमेश्वर का चिंता काहे करते हो वो ही सारे काज संवारे तुम काहे को डरते हो चिंता कर लो परमेश्वर का वो परमेश्वर की चिंता भी करो ना जी चिंता ला छोड़ो हाँ सब काम ला संवारने वाला और है सब प्रेम सेवाएं अपना ले जीवन ला तुर सफल बना ले पंख बिना पंछी और हाथी दांत बिना पुरुष बिना नारी के व्यर्थ है जीना बिना थर के पेड़ बिना दिया के मंदिर मरघट जैसे लागे बिना प्राण के शरीर चंदा बिना आकाश में अंजोर कैसे होए ब्राह्मण वेद पढ़े बिना गली गली में रोए दया धर्म बिना सत्य कर्म बिना कौन है यहाँ तर ही अरे बांधो धर्म के गठरी सब ले एक दिन जाना पर ही सब ले एक दिन जाना पर ही बोलिए राजा राम चंद्र की जय तय भजन कर ले संगी भजन कर ले संगी भजन कर ले ना भजन कर ले भैया भजन कर ले ना तोरे अंधियारी कुरिया कर ले तय अजोर मोर संगी भजन कर ले ना तोरे अंधियारी कुरिया कर ले तय अजोर मोर भैया भजन कर ले ना तय भजन कर ले संगी भजन कर ले ना तय भजन कर ले भैया भजन कर ले ना तुल बांध के ले जाही न जाओ तुरे भजन कर लेना
ترجمة